हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 4 का एपिसोड नंबर 15। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था डिवो जो कि अब वोमेन के शरीर पर कब्जा कर चुका था और आगे बचे मेटा की तलाश में लगा हुआ था। तो इधर अब सिस्को अपने दोस्तों को बताता है कि डिवो के पास पॉकेट डायमेंशन की पावर है जिससे कि वो बड़े ही आसानी से कहीं भी आ और जा पा रहा है, जिससे कि सभी अब फ्लैश टीम अब कैसे डिवो को रोकना है इस सॉल्यूशन को ढूंढने में लग जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं एपिसोड नंबर 15 के साथ, जिसकी शुरुआत स्टार लैब में बैरी के साथ होती है, जो कि बहुत ही डरा हुआ सा पसीने से तरबतर हुआ आयरिस को बोलता है बैरी चाहकर भी अब किसी को नहीं बचा पाएगा। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट होकर अब हम व्यूअर्स को इस घटना के 8:46 पहले की सीन दिखाई जाती है, जिसमें बैरी सिस्को द्वारा ब्रिज खोलने और बंद करने के बीच के समय में ही ब्रिज में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि जब अगली बार डिवो बैरी के सामने आए वो उसके गायब होने से पहले ही बैरी उसे पकड़ ले। पर यहाँ लगातार कई घंटों से प्रैक्टिस करने के दौरान भी बैरी प्रॉपर टाइमिंग नहीं पकड़ पा रहा होता है, जिस पर अब कुछ देर के लिए ब्रेक बोल सिस्को यहाँ से चला जाता है। पर बैरी अभी भी प्रैक्टिस करने के ही मूड में होता है, जिसे देख आयरिस बोलती है इतना लगातार प्रैक्टिस करने से तुम बीमार भी पड़ सकते हो, ऐसा करते हैं आज हम दोनों एक रोमांटिक सी डेट पर चलते हैं, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, जिसे सुन बैरी भी आयरिस की बात से सहमत होता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर हेडसन सभी को कॉर्टेक्स में बुलाता है और सभी को डिवो के सिग्नेचर फील्ड दिखाता है। इट मीन्स कि अभी स्टार्टिंग से डिवो किस किस एरिया में पाया गया है, जहाँ से कि वो अपने पॉकेट डायमेंशन से गायब हो जाता है। अब इन्हें ये पता चलता है कि डिवो ने पूरे सेंट्रल सिटी में अपने नेटवर्क को जोड़ लिया है और सिटी के बीचों बीच डिवो का घर है। अब चूंकि डिवो ने पूरे सेंट्रल सिटी में ही अपना नेटवर्क फैला लिया है, तभी तो पिछली बार अचानक से ही मार्केट से डिवो ने बैरी को उठा लिया था, और इसीलिए तो वो पिछले दिन नदी से भी अचानक गायब हो गया था। अब इतना जानने पर सिस्को बोलता है ये तो एबोट थॉर्न की तरह ही पूरी प्लानिंग पहले से ही किए हुए है। अब ये बातें चल ही रही होती है कि तभी यहाँ अर्थ 2 से डॉक्टर हैरिसन की बेटी जेसी आ जाती है और सभी को हाय बोल अपने पिता के साथ दूसरे कमरे में बात करने चली जाती है, जहाँ पर अब ये दोनों आपस में ही बहस कर रहे होते, क्योंकि जेसी को ऐसा लगता है उसके पिता जेसी से प्यार नहीं करते और बहुत ही वो गुस्सैल नेचर के हैं, जिस पर अब यहाँ डॉक्टर हैरिसन जेसी को समझाने की कोशिश भी करता है, पर जेसी यहाँ मुंह फुला के दूसरे हॉल में चली जाती है। तब यहाँ हैरिसन को जो का इमरजेंसी अलर्ट मिलता है और साथ ही बाकी सबको जैसे ही जो का अलर्ट मिलता है, बैरी सिस्को और किलर फ्रॉस्ट यहाँ से निकल पड़ते हैं। तो इधर अब हमें जोए को दिखाया जाता है जो कि गार्ड्स के साथ गवर्नमेंट का एक खास हथियार लेकर आर्गस जा रहा होता है, कि तभी यहाँ पर कुछ टेररिस्ट का ग्रुप आकर इन्हें घेर लेते हैं और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, और इन टेररिस्ट की हेड वेरोनिका ट्रक को ओपन कर इसमें रखे हथियार में छेड़छाड़ कर बाहर निकलती है, कि तभी यहाँ फ्लैश टीम भी पहुँचती है, जहाँ पर अब वेरोनिका बैरी को बताती है वेरोनिका ने इस हथियार वाले ट्रक में न्यूक्लियर बम सेट कर एक्टिवेट कर दिया है, जिसके अब महज कुछ ही मिनटों में पूरा शहर जलकर राख बन जाएगा। जिसे सुन बैरी यहाँ सुपर स्पीड से बॉम्ब को चेक करता है, तो इसके पास बहुत ही कम वक्त बचा होता है। अब इस दौरान बैरी इतनी तेज स्पीड से यहाँ पर दौड़ता है कि इसके आसपास के लोग इसे ठहरे हुए दिखते हैं, और इस मोमेंट को हम अब से फ्लैश टाइम कहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस फ्लैश टाइम टर्म को याद रखिएगा आगे। अब यहाँ पर जैसे भी आकर देखती है तो मामला बहुत ही सीरियस हो चुका होता है। तब बैरी यहाँ फौरन ही जेसी को अर्थ 3 के फ्लैश यानी कि जे गैरी को यहाँ लाने बोलती है, ताकि इन्हें कोई सॉल्यूशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस फ्लैश टाइम में जहाँ पर असल जिंदगी में एक मिनट गुजरेगा, वही इस वक्त में एक घंटा गुजरेगा। इसका मतलब ये था कि फ्लैश टाइम के मुताबिक बैरी के पास इस बॉम्ब को फटने से रोकने के लिए पूरे 1.5 घंटे का वक्त था, और असल वाले जिंदगी में सिर्फ 1.5 मिनट। अब आगे फॉरेनी जेसी जे गैरी को लेकर यहाँ आती है, चूँकि फ्रेंड जेसी और जे भी स्पीडस्टर थे, इसलिए वे आसानी से बैरी के साथ इस फ्लैश टाइम में सर्वाइव कर पा रहे थे। आगे सबसे पहले तो इस बॉम्ब से निपटने के लिए बैरी सिस्को को टच कर अपने साथ फ्लैश टाइम में लेकर सिस्को को किसी डेड अर्थ का ब्रिज ओपन कर इस बॉम्ब को उसमें डालने बोलता है, पर चूँकि सिस्को इस वक्त फ्लैश टाइम में था, वो ब्रिज ओपन नहीं कर पा रहा होता है, और साथ ही यहाँ सिस्को फ्लैश टाइम में ज़्यादा देर रुकने के कारण कमज़ोर पड़ने लगता है, जिसे कि अब बैरी वापस से फ्लैश टाइम से बाहर निकालकर नॉर्मल जिंदगी में डाल देता है। और फिर ये तीनों स्पीडस्टर स्टार लैब जाकर हैरिसन से इस प्रॉब्लम का तोड़ मांगते हैं, जिस पर अब यहाँ हैरिसन के पास भी कोई खास सॉल्यूशन नहीं होता है,
जिसके बाद ये सारे तीनों वापस से बॉम्ब वाली जगह पर पहुंचते हैं। तब जे इन्हें ये आइडिया देता है कि क्यों ना इस बॉम्ब को जमा कर इसे डीएक्टिवेट कर दिया जाए। तब बैरी फौरन ही किलर फ्रॉस्ट को फ्लैश टाइम में लेकर बॉम्ब को जमाने बोलता है, पर चूंकि यहाँ बॉम्ब बस अब ब्लास्ट करने के लिए पूरे एनर्जी से भरा पड़ा था, किलर फ्रॉस्ट भी इसे जमा नहीं पाती है, जिसे देख अब बैरी किलर फ्रॉस्ट को भी वापस से फ्लैश टाइम से बाहर निकाल देता है। कि तभी यहाँ जेसी इन्हें लाइटिंग स्ट्रोक पैदा करने का आइडिया देती है, जिसके लिए कि अब इन तीनों को ही अपने काइनेटिक एनर्जी एक साथ पैदा करनी होगी, क्योंकि इस बॉम्ब की एनर्जी बहुत ही ज्यादा अधिक थी। अब जैसे ये तीनों यहाँ पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं, जे गैरिक की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चुका था, जिसकी हालत देख बैरी जे गैरिक को भी फ्लैश टाइम से अब बाहर कर देता है। अब यहाँ कोई भी रास्ता बचा ना देख बैरी जेसी को उसकी जान बचाने के खातिर उसे अर्थ 2 पर वापस जाने बोले यहाँ से भेज देता है। तब जेसी यहाँ अर्थ 2 पर लौटने से पहले अपने पिता से आखिरी बार बाय बोलने पहुँचती है, पर यहाँ जेसी की पावर अब खत्म हो जाती है और वो भी वहीं पर फ्रीज हो जाती है। तो अब इधर बैरी भी परेशान सा भागता हुआ आयरिस के पास आता है, और ये सीन वही होता है फ्रेंड्स जो हमने एपिसोड के शुरुआत में देखी थी। अब यहाँ पूरी बात सुन आयरिस भी काफ़ी भावुक हो जाती है, और फिर यहाँ ये दोनों अपने आखिरी पल में बहुत ही भावुक हो रहे होते हैं कि तभी यहाँ आयरिस को क्वार्क स्पेयर का याद आता है, जो कि कैथलीन ने बैरी को स्पीड फोर्स से बाहर निकालने के लिए सीजन 4 के एपिसोड नंबर 1 में बनाई थी, जो कि एक रेड कलर के बॉल की तरह था, और उस क्वार्क स्पेयर का काम ही था लाइटनिंग और काइनेटिक एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। आगे आयरिस उसी क्वार्क स्पेयर को बैरी को लाने बोलती है, जो कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब की सारी एनर्जी अपने अंदर सोख लेगा, जिसे सुन उम्मीद की इस किरण की तरह बैरी अब अपने सुपर स्पीड से भागता हुआ स्पीड फोर्स पहुंचता है, और फिर बैरी क्वार्क स्पेयर को अपने साथ लेकर भागता हुआ बॉम्ब वाली जगह पर पहुंचता है और इस क्वार्क स्पेयर को बॉम्ब के पास फेंक देता है। तब तक इधर बॉम्ब को भी फटने का वक्त अब हो चला था। अब जैसे ही बॉम्ब यहाँ पर फटती है, क्वार्क स्फीयर उसे अपने अंदर सोख लेता है, जिसके बाद कि यहाँ पर सभी बारी बारी कर नॉर्मल हो जाते हैं और बैरी भी फ्लैश टाइम से बाहर आ जाता है, जिसके बाद कि वेरोनिका को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाकी सारी टीम स्टार लैब पहुँचती है, जहाँ पर कैथलीन अब बैरी को दवा देकर आराम करने बोलती है, क्योंकि फ्लैश टाइम में बैरी ने अपने शरीर से कई ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया होता है। वहीं अब दूसरी तरफ अपनी बेटी की गलतफहमी दूर करने के लिए डॉक्टर हाइसनबेल टेलीपैथी वाली डिवाइस जो कि उसने सेसिल के लिए बनाई थी, वैसे ही डिवाइस बनाकर जेसी के माथे पर लगाता है और एक दूसरा डिवाइस अपने सिर पर लगाता है, जिससे कि अब हाइसन के मन के अंदर जो भी बातें चल रही होती है जेसी के लिए, वो सारी बातें जेसी को आसानी से सुनाई पड़ने लगती है, और इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों बाप बेटे के बीच की सारी दुनिया खत्म हो जाती है। तो वही अब एपिसोड के आखिर में जेसी को अर्थ 2 पर भेजकर डॉक्टर हाइसनबेल कैथलीन के साथ जीटर कैफे में कॉफ़ी पीने पहुंचता है, जहां पर दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहां पर वही सेम लड़की आ जाती है जो कि पिछले दिन सिस्को और डिबनी से मिली थी, और इन दोनों से भी यूं ही कैजुअल बातें करने लगती है, जिसके कुछ देर बाद अब हाइसन और कैथलीन यहां से जाने लगते हैं। तब ये लड़की बस उन्हें घूर रही होती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की स्टोरी ना बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।